भोजपुरी फिल्मों के स्टार रवि किशन ने अपने 3 दशक से भी लंबे करियर में ढेरों फिल्में की है। भोजपुरी सिनेमा के अलावा रवि किशन ने बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्टिंग के कारण रवि किशन को एक बार उनके पापा ने बैल से बुरी तरह पीटा था। रवि किशन ने इसका खुलासा कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में किया था। रवि किशन आज न सिर्फ एक्टिंग में सक्रिय है बल्कि वो राजनीति में भी एक्टिव है। आज रवि किशन जिस मुकाम पर है वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने खूब स्ट्रगल किया। रवि किशन ने सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़ाई की और उसके बाद एक्टर बनने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। रवि किशन के पापा को जब बेटे के एक्टर बनने के सपने के बारे में पता चला तो उन्होंने उनकी खूब पिटाई की थी। इस बारे में रवि किशन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे एक्टर बनना है तो उन्होंने मुझे बहुत पिटा। उस वक्त एक्टिंग को सम्मानजनक का पेशा नहीं माना जाता था, उन्हें लगता था कि नचनिया बनेगा। लेकिन आज सिनेमा और एक्टिंग में करियर को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। पहले ऐसा नहीं था, लोग सोचते थे कि यह सिर्फ गाने और नाचने वालों का झुंड है, इसलिए एक पुजारी के बेटे को पैसों के लिए गाते और नाचते देखना सही नहीं माना जाता था। हालांकि रवि किशन का कहना था कि उनके पापा ने उन्हें जो पीटा था वो उनका आशीर्वाद था, उसी आशीर्वाद की वजह से आज वो स्ट्रॉन्ग बने हैं। रवि किशन ने 1992 में फिल्म पीताम्बर से एक्टिंग की शुरुआत की थी। बॉलीवुड में डेब्यू के बाद रवि किशन ने ढेरों फिल्में की, लेकिन उन्हें पहचान 2003 में जाकर सलमान खान स्टारर तेरे नाम से मिली। इसके बाद रवि किशन ने भोजपुरी सिनेमा का रुख किया, वहाँ उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और एक अलग मुकाम पाया। रवि किशन ने कुछ टीवी शोज और वेब सीरीज भी की है। इसके अलावा रवि किशन कई रियलिटी शो भी होस्ट कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपको रवि किशन की ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।